बिना लगेज के राइड करने में मजा नहीं आता है। गाइस 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 वेलकम टू ट्रैवलिंग मोड। तो टुडे वी विल अनबॉक्स द बाइक कैरियर, सो आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल दैट ऑन ऑल्सो। जल्दी शुरू करेंगे इसमें, चलो इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। वो बढ़िया सा पैकिंग हो के आया है, अब पेंटिंग भी उतना ही अच्छा फिनिशिंग दिया हुआ है इसमें। रिफ्लेक्टर ये मेन चीज है जो बाइक में डालना जरूरी है। ये जो स्लॉट है बैक सीट पे फास्टनिंग होगा, और ये बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है, बड़ा लगेज रख सकते हैं हम लोग इधर। और ये जो पट्टी है इसके ऊपर ऐसा क्लैंपिंग करके, और ये जो नीचे में जो नंबर प्लेट रहता है ना तो उधर में फास्टनिंग होगा, क्योंकि ये सपोर्ट होने का बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लोग लोड डालेंगे इधर तो साइकिंग होने का प्रॉब्लम आ गया, तो उसके लिए भी ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये प्लेट डाल के इसमें वर्टिकल सपोर्ट दे। इसलिए इसको हम बाइक में लगा के देखेंगे अभी। ये दो बोल्ट हमको निकालना पड़ेगा, और इसके बाद ये दो बोल्ट भी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वर्टिकल पोस्ट बैठेगा और इसमें हॉरिजॉन्टल पोस्ट। एक चुटकी में इंस्टॉल कर दूंगा। हाँ चलो गाइस, कैरियर तो मैं इंस्टॉल कर दिया, अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे मैं बताऊंगा उसका रिव्यू कैसा लग रहा था, और क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है कि नहीं है, या कुछ कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं, करके मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे बताऊंगा। तो स्टिल देन टेक केयर, बाय बाय।